हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस की बात करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक देखें। दोस्तों, टेंस के प्रकार की बात करें तो यह तीन प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। और इन तीनों टेंस के अपने अपने चार चार अलग अलग अंग होते हैं, जिनमें से पहला होता है सिंपल या इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के चार अंग इस प्रकार से हैं: प्रेजेंट सिंपल टेंस, सामान्य वर्तमान काल; प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, निरंतर वर्तमान काल; प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल; प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। ठीक इसी प्रकार से पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनके भी चार अंग हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के भी चार अंग हैं: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, अब हम प्रेजेंट टेंस के चारों अंगों को विस्तार से वन बाय वन समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल को, सामान्य वर्तमान काल, जिनका हिंदी पहचान है वाक्यों के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हो इत्यादि, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस आर ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ वर्ब के साथ एस या ई एस का उपयोग हम एक वचन सब्जेक्ट होने पर ही उपयोग करेंगे। दोस्तों, ध्यान रहे, आई एक वचन होने के बावजूद प्रेजेंट टेंस में बहुवचन के साथ अपवाद स्वरूप उपयोग होगा, बहुवचन के रूप में इसमें नियम लागू होगा। तो अब हम इस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट के अनुसार बहुवचन सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले वाक्य बनाते हैं। जैसे आई रीड अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ता हूँ। वी राइट एन एसे, हम निबंध लिखते हैं। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। दे कम माई होम, वे मेरे घर आते हैं। राम एंड श्याम गो टू स्कूल, राम और श्याम स्कूल जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे रीड, राइट, प्ले, कम और गो, इनमें से किसी भी वर्ब के साथ न तो एस लगाया मैंने और न ही ई एस, क्योंकि इसके साथ जो सब्जेक्ट है आई वी यू दे राम एंड श्याम, ये सभी बहुवचन के रूप में उपयोग हुआ है। दोस्तों, अब हम इसी स्ट्रक्चर का उपयोग एक वचन सब्जेक्ट के लिए करेंगे, जिसके साथ वर्ब में एस का लगाना अनिवार्य होगा और इन्हीं एक वचन सब्जेक्ट के वर्ब के साथ कुछ कंडीशन में हम ई एस का उपयोग करेंगे, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। ही रीड्स अ स्टोरी, वह कहानी पढ़ता है। सी राइट्स एन एसे, वह निबंध लिखती है। इट प्लेस क्रिकेट, यह क्रिकेट खेलता है। राम कम्स माई होम, राम मेरे घर आता है। श्याम गोज टू स्कूल, श्याम स्कूल जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इन्हीं वर्ब का उपयोग हमने वहाँ पे किया था तो रीड लिखे थे, रीड्स नहीं लिखे थे, वहाँ राइट लिखे थे या राइट्स लिखे हैं, वहाँ प्ले लिखे थे या प्लेस लिखे हैं।
एस लगा दिया गया है, वहाँ कम लिखे थे, यहाँ कम्स लिख दिए, और वहाँ पे गो लिखा गया था, इसमें ई एस लगा करके गोस कर दिया गया है, क्योंकि गो में अंत का लेटर ओ है, जिसके कारण यहाँ पे ई एस लगाया गया है, गोस। तो दोस्तों कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिसमें एक वचन सब्जेक्ट होने पर उन वर्ब के साथ ई एस लगाते हैं। जैसे गो में ओ है तो इसमें ई एस लगा करके गोस, राम गोस टू स्कूल। ही वाच्स कार्टून, वह कार्टून देखता है। टीना टीच्स इंग्लिश, टीना अंग्रेजी पढ़ाती है। सी वाशेस हर क्लॉथ्स, वह अपने कपड़े धोती है। अलायन क्रॉसेस द रिवर, शेर नदी पार करता है। थीफ कॉक्सेस चिल्ड्रन, चोर बच्चों को लुभाता है। यहाँ हमने देखा उन वर्ब जिनके अंत में ओ हो, सी एच हो, एस एच हो, एस हो या एक्स हो, और सब्जेक्ट एक वचन हो, तो प्रेजेंट सिंपल में हम उसमें ई एस जोड़ते हैं। जैसे गो को लिख दिए गोस, वाच को लिख दिए वाच्स, टीच को लिख दिए टीच्स, वास को लिख दिए वासेस, और क्रॉस को क्रॉसेस, कॉक्स को कॉक्सेस। दोस्तों अब हम इन एक सेंटेंस को तीन और सेंटेंस बनाएंगे, अर्थात चार सेंटेंस बनता है। जैसे कि सी राइट्स एन एसे, वह निबंध लिखती है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी सकारात्मक वाक्य। जिनका नेगेटिव सेंटेंस होगा, सी डज नॉट राइट एन एसे, वह निबंध नहीं लिखती है। नेगेटिव अर्थात नकारात्मक वाक्य। और अब इंटरगेटिव सेंटेंस, डज सी राइट एन एसे, क्या वह निबंध लिखती है। इंटरगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा वाक्य होगा नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस, डज सी नॉट राइट एन एसे, क्या वह निबंध नहीं लिखती है। दोस्तों इन वाक्यों को आप एक बार फिर से देख सकते हैं। सी और राइट्स के बीच हमने डज नॉट लिया तो नेगेटिव बन गया, और राइट्स में से एस को हमने हटा दिए जो राइट हो गया। अब इंटरगेटिव सेंटेंस जो है, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले हमने डज लगाया और राइट्स में से एस को हटा करके राइट लिख दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। चौथा सेंटेंस नेगेटिव इंटरगेटिव, जो दूसरे सेंटेंस से बना है, दूसरे सेंटेंस में से डज को हम सी के पहले लिखते हैं तो हो जाता है डज सी नॉट राइट एन एसे, क्या वह निबंध नहीं लिखती है, और राइट्स में से इसको हटा दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। दोस्तों आपको ध्यान रहे, वर्ब के साथ जो हमने एस या ई एस लगाए होते हैं वो केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होते हैं, नेगेटिव इंटरगेटिव में नहीं होता। दोस्तों इनके ट्रांसलेशन अनुवाद की बात करें तो ये भी बहुत आसान है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले सेंटेंस में डज सामने लिखने से यह बन जाता है इंटरगेटिव सेंटेंस, तो अनुवाद ठीक उसी प्रकार से है, क्या वह निबंध लिखती है। और दूसरे सेंटेंस का डज सी के पहले लिखने से वह चौथा वाले सेंटेंस बन जाता है, डज सी नॉट राइट एन एसे, तो इसका अनुवाद दूसरे के जैसे है, केवल सामने क्या लिखना पड़ता है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ही सी इट, राम श्याम, इन सभी एक वचन सब्जेक्ट कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का उपयोग करते हैं। दोस्तों अब हम ठीक इसी प्रकार से बहुवचन सब्जेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस बनाएंगे।
जैसे कि वी राइट एन एसे। वी बहुवचन सब्जेक्ट है, हम निबंध लिखते हैं। इसका नेगेटिव होगा वी और राइट के बीच में डू नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ। वी डू नॉट राइट एन एसे, हम निबंध नहीं लिखते हैं। अब ऊपर के इन दोनों वाक्य से हम तीसरा और चौथा वाक्य बना सकते हैं। जैसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में डू लिखने से तीसरा सेंटेंस बन गया, डू वी राइट एन एसे क्वेश्चन मार्क, क्या हम निबंध लिखते हैं। आपने देखा कि हमने पहले वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में वी के पहले डू लेकर के तीसरा सेंटेंस इंटरगेटिव बनाया। यहाँ हमें डू लेना पड़ा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू छुपा होता है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे से चौथा सेंटेंस बनाएंगे, तो इसमें डू पहले से है, उसी डू को वी से पहले लिखना होगा। डू वी नॉट राइट एन ऐसे, क्या हम निबंध नहीं लिखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम आई वी यू दे या राम एंड श्याम, इन सभी बहुवचन सब्जेक्ट कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू का उपयोग करते हैं, जहाँ आई मैं एक वचन सब्जेक्ट है जो अपवाद स्वरूप बहुवचन के साथ उपयोग होता है। तो दोस्तों, मैंने एक वचन सब्जेक्ट से नेगेटिव इंटरगेटिव डस का उपयोग करके एक बार बनाया और बहुवचन से डू का उपयोग करके नेगेटिव इंटरगेटिव बनाया। बाकी को आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात निरंतर वर्तमान काल, जिनका हिंदी पहचान होगा, वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में अगर सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे, एम यानी हूँ, और सब्जेक्ट अगर एक वचन हो तो हम हेल्पिंग वर्ब इज़ का उपयोग करेंगे, जिसका हिंदी मायने होता है। और अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो, वी यू दे इत्यादि, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का उपयोग करेंगे, जिसका मतलब होता है या हो। अब हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आई एम रीडिंग अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम का उपयोग किए हैं। दूसरा, वी आर राइटिंग एन एसे, हम निबंध लिख रहे हैं, वी है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर है यहाँ पे। तीसरा एग्जाम्पल, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट यू है इसलिए आर, दे आर कमिंग माई होम, वे लोग मेरे घर आ रहे हैं, दे बहुवचन है इसलिए आर, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं, बहुवचन है इसलिए यहाँ भी आर। अब कुछ एग्जाम्पल एक वचन के लिए जिसके साथ हम इस का उपयोग करेंगे। ही इज़ रीडिंग अ स्टोरी, वह कहानी पढ़ रहा है। सी इज़ राइटिंग एन एसे, वह निबंध लिख रही है। इट इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यह क्रिकेट खेल रहा है। राम इज़ कमिंग माई होम, राम मेरे घर आ रहे हैं। श्याम इज़ गोइंग टू स्कूल। आपने देखा वहाँ पे राम एंड श्याम एक साथ यूज़ हुआ था, इसलिए वहाँ पे आर का हेल्पिंग वर्ब किए, और यहाँ राम और श्याम अलग अलग है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे इस का उपयोग किए हैं। अब मैं एक वचन सब्जेक्ट वाले सेंटेंस का नेगेटिव इंटरगेटिव बना देता हूँ और एक बार बहुवचन सब्जेक्ट वाले सेंटेंस का नेगेटिव इंटरगेटिव बना देता हूँ। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, सी इज़ राइटिंग इन एसे, वह निबंध लिख रही है, इसका नेगेटिव होगा नकारात्मक वाक्य। सी इज़ नॉट राइटिंग एन एसे,
वह निबंध नहीं लिख रही है जिसका इंटरगेटिव होगा इट सी राइटिंग एन एसे, क्या वह निबंध लिख रही है। निगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस चौथा, इट सी नॉट राइटिंग एन एसे, क्या वह निबंध नहीं लिख रही है। जैसे कि आपको पता है हमने प्रेजेंट सिंपल में देखा था डू और डज हेल्पिंग वर्ब था जो पहले सेंटेंस में दिखाई नहीं पड़ता था, तो हमें अलग से लेकर नेगेटिव इंटरगेटिव बनाना पड़ता था। लेकिन प्रेजेंट की कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर ही हेल्पिंग वर्ब है जिनके साथ हमें नॉट लेकर के नेगेटिव इंटरगेटिव बनाना होगा। तो हम देख सकते हैं पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज़ है, उसमें नॉट लेने से नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो दो वाक्य है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम अफर्मेटिव के इज़ को सी के पहले लिखते हैं, तीसरा वाक्य बन गया। तो अनुवाद में हम पहले वाक्य के क्या लिखेंगे, तो तीसरा का अनुवाद हो गया। और दूसरे सेंटेंस सी इज़ नॉट राइटिंग एन एसे, इसमें से इज़ को सी से पहले लिखने से चौथा सेंटेंस बनता है इट सी नॉट राइटिंग एन एसे। तो इसका अनुवाद भी दूसरे के जैसे ही होगा इज़ को सामने निकाल करके, जैसे वह निबंध नहीं लिख रही है तो चौथा को हो जाएगा क्या वह निबंध नहीं लिख रही है। तो आपने देखा पहले सेंटेंस अफर्मेटिव से इज़ को सी से पहले लिखने से तीसरा बना, तो अनुवाद तीसरे के जैसे है पहला और तीसरा का अनुवाद। और दूसरे सेंटेंस से इज़ को सी के पहले लिखने से चौथा बना, तो दूसरे के जैसे अनुवाद है चौथा का, केवल क्या लिखना पड़ता है। अब ठीक इसी प्रकार से बहुवचन सब्जेक्ट वी से नेगेटिव इंटरगेटिव बनाते हैं। वी आर राइटिंग एन ऐसे, हम निबंध लिख रहे हैं, नेगेटिव होगा। वी आर नॉट राइटिंग एन ऐसे, हम निबंध नहीं लिख रहे हैं, इंटरगेटिव बनाएंगे आर को सामने निकाल कर पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से। आर वी राइटिंग एन ऐसे, क्या हम निबंध लिख रहे हैं। चौथा सेंटेंस दूसरे से बनाएंगे आर को सामने लिखकर, आर वी नॉट राइटिंग एन ऐसे, क्या हम निबंध नहीं लिख रहे हैं। यहाँ ए टी नहीं है, ए एफ है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जिस प्रकार से हमने वी में यहाँ पे बनाया, यू में, दे में, राम एंड श्याम, जितने भी बहुवचन सब्जेक्ट हैं उसमें हम आर का उपयोग करके ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आई के साथ एम का उपयोग कर ऐसे ही हम नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो तीसरा अंग है, पूर्ण वर्तमान काल, हिंदी पहचान है चुका हूँ, चुकी हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो। इसका एक दूसरा पहचान भी हो सकता है, जैसे कि या हूँ, ये है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ हैज़ का उपयोग एकवचन सब्जेक्ट ही सी इट, राम सीता, अ डॉग, अ बॉय इत्यादि के साथ करेंगे, एकवचन होने पर हैज़ और बहुवचन सब्जेक्ट होने पर हैव। आई के साथ भी हैव का उपयोग होगा, अपवाद है वो। आई वी यू दे राम एंड श्याम, बॉयज़ गर्ल्स, ये सभी बहुवचन हैं जिनके साथ हैव का उपयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट का उपयोग करके एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम बहुवचन सब्जेक्ट वाले वाक्य का नेगेटिव इंटरगेटिव बनाते हैं, जैसे
वी हैव रिटन एन एसे, हम निबंध लिख चुके हैं। नेगेटिव होगा, वी हैव नॉट रिटन एन एसे, हम निबंध नहीं लिखे हैं या फिर हम निबंध नहीं लिख चुके हैं। अब पहले वाले अफर्मेटिव का जो हैव हेल्पिंग वर्ब है उसको वी के सामने लिखेंगे, तीसरा वाक्य बनेगा। हैव वी रिटन एन एसे क्वेश्चन मार्क, क्या हम निबंध लिख चुके हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और दूसरे सेंटेंस नेगेटिव में से हैव को वी के सामने लिखने से चौथा वाक्य बनेगा नेगेटिव इंटरोगेटिव। हैव वी नॉट रिटन एन एसे, क्या हम निबंध नहीं लिख चुके हैं। तो बाकी ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अन्य एग्जांपल्स को। अब हम एक वचन के लिए देखते हैं, जैसे सी हैज़ रिटन एन एसे, वह निबंध लिख चुकी है। इसका नेगेटिव होगा हैज़ के बाद नॉट लगाकर, सी हैज़ नॉट रिटन एन एसे, वह निबंध नहीं लिखी है। पहले में से हैज़ सामने लिखकर इंटरगेटिव यानी तीसरा सेंटेंस, हैज़ सी रिटन एन एसे, क्या वह निबंध लिख चुकी है। दूसरे में से हेल्पिंग वर्ब हैज़ सी के सामने लिखने, चौथा हैज़ सी नॉट रिटन एन एसे, क्या वह निबंध नहीं लिखी है। दोस्तों प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। दोस्तों आप इसी प्रकार से अन्य एक वचन सब्जेक्ट वाले वाक्यों को हैज़ का उपयोग कर नेगेटिव इंटरगेटिव बना सकते हैं। अब हम पास्ट पर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण अंग है प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि यहाँ पे सिंस फॉर का यूज़ होता है जो कि एग्जाम्स में रिक्त स्थान में अलग से पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण निरंतर वर्तमान काल, कुछ कार्य पूर्ण हो चुकी होती है और चल भी रहा होता है, उसे हम कहते हैं पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। तो इसमें हमें कंटिन्यूअस से कुछ चीज़ें मिलेगा और कुछ परफेक्ट से, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों से इसमें कुछ चीज़ें शामिल रहेंगी। जैसे कि आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ हम बीन का उपयोग हैव और हैज़ दोनों के साथ करेंगे, हैव बीन हैज़ बीन। तो जैसे कि आपको प्रेजेंट के परफेक्ट से ही पता है, हैव बीन बहुवचन और आई के साथ, हैज़ बीन एक वचन के साथ होगा और मेन वर्ब में आईएनजी होगा जो कंटिन्यूअस से आया है। हैव हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट के परफेक्ट से आया है, इसमें सिंस का उपयोग करना होगा ऑब्जेक्ट के बाद और फॉर का भी। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसे आई हैव बीन रीडिंग ए स्टोरी सिंस 6 AM, मैं 6 बजे से कहानी पढ़ रहा हूँ। वी हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर, हम 1 घंटे से निबंध लिख रहे हैं। इसी प्रकार से आप तीसरा और चौथा पांचवा एग्जांपल्स भी समझ सकते हैं। अब कुछ एक वचन सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस जुलाई, वह जुलाई से कहानी पढ़ रहा है। दोस्तों इन वाक्यों का अनुवाद भी बहुत आसान होता है, जैसे वह ही यानी वह और बाकी शब्दों को हम पीछे से लेते हुए आते हैं, जैसे कि वह जुलाई सिंस यानी से स्टोरी यानी कहानी रीडिंग यानी पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य है सी हैज़ बीन राइटिंग एन एसे फॉर 3 months, वह 3 महीने से एसे लिख रही है।
तीसरा, चौथा, पांचवा एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, सभी एकवचन सब्जेक्ट है और हैज़ का उपयोग हमने किया है। दोस्तों आगे मैं बताता हूँ सीन्स ऑफ आ का यूज़ कहाँ करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ इनसे अफर्मेटिव नेगेटिव कैसे चेंज करना है। जैसे पहला है, वी हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर, हम 1 घंटे से निबंध लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है भी है, बीन भी है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाले हेल्पिंग वर्ब ही मेन यहाँ का हेल्पिंग वर्ब है, उसी के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। वी हैव नॉट बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर, हम 1 घंटे से निबंध नहीं लिख रहे हैं। अब पहले वाक्य से हैव वी के पहले रखेंगे तो तीसरा इंटरगेटिव वाक्य बनेगा, और दूसरे वाक्य से हैव को वी से पहले लिखने पर चौथा वाक्य बनेगा, हैव वी नॉट बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर। दोस्तों यहाँ पे मैंने सीन्स या फॉर के लिए एक क्लासिफिकेशन किया है, कहाँ पे आप सीन्स और कहाँ पे फॉर का यूज़ कर सकते हो। ऐसे जगह जहाँ पे एएम पीएम हो सीन्स लगेगा, मॉर्निंग इवनिंग नाइट हो तब भी सीन्स का यूज़ होगा, जबकि एन आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, सम आवर्स, मैनी आवर्स, कुछ घंटे, कई घंटे, ऐसे होगा तो फॉर का यूज़ करेंगे। वैसे ही संडे, मंडे, ट्यूसडे, दिनों का एग्जैक्ट नाम होगा तो सीन्स का उपयोग करेंगे, और उसी को अ डे, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, अ वीक, 2 वीक्स, ऐसे कहने पर फॉर का यूज़ होगा। और जनवरी, फेब्रुअरी, इस प्रकार से होगा तो सीन्स, और उसी को अ मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, ऐसे बोलने पर फॉर का यूज़ करेंगे। टू थाउजेंड टू, 2010, इस प्रकार से होने पर सीन्स, और अ ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, मैनी ईयर्स, सम ईयर्स, कुछ साल, कई साल, ऐसे होगा तो फॉर का यूज़ करेंगे। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से हम पास्ट टेंस के चारों अंकों विस्तृत रूप में वन बाय वन पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हमें कम समय लगेगा। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन सभी में प्रेजेंट टेंस की तुलना में एक एक हेल्पिंग वर्ब कम हो जाता है, इसलिए इसमें हमें समय कम लगेगा और ये आसान हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट सिंपल टेंस यानी सामान्य भूतकाल। इनका हिंदी पहचान है दोस्तों वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे। इसका एक दूसरा पहचान और होता है जिसमें हम अनुवाद ऐसे कर सकते हैं, या, यी, ये, आ की मात्रा, बड़े की मात्रा, इससे भी अंत होता है वाक्य को। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर सबसे अलग है, यूनिक है, ऐसा स्ट्रक्चर और कहीं नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं मेन वर्ब की। तो स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों पास्ट सिंपल में भी प्रेजेंट सिंपल के जैसे ही हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं पड़ता, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है जो कि हमें नेगेटिव इंटरगेटिव बनाते समय उपयोग करना होगा। तो दोस्तों हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का उपयोग करेंगे। आई रेड अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ता था, इसका दूसरा अनुवाद ऐसे भी कर सकते हैं हम, मैंने कहानी पढ़ा या फिर मैंने कहानी पढ़ी। चूंकि रीड का तीनों फॉर्म देखने में स्पेलिंग में एक जैसे होता है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन रीड, रेड, रेड होता है, तो आई रेड अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ता था। वी रोट एन एसे, हम निबंध लिखते थे या फिर हमने निबंध लिखा। यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे या फिर तुमने क्रिकेट खेला, आपने क्रिकेट खेला। दे केम माई होम, वे मेरे घर आते थे या वे लोग मेरे घर आए। राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल, राम और श्याम स्कूल जाते थे
या राम और श्याम स्कूल गए? दोस्तों यहाँ आप सभी एग्जांपल्स में देख सकते हैं जो भी वर्ब है वो सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, जैसे वेंट, केम, प्लेड, रोट या रेड। दोस्तों चूंकि पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब एक ही है, केवल डिड है, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट को बांटने की ज़रूरत नहीं होगा। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो एकवचन हो या बहुवचन हो, डिड हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे नेगेटिव इंटरगेटिव बनाने के लिए। एकवचन में भी हम सेकेंड फॉर्म का ही उपयोग करेंगे वर्ब की। ही रैन इन द मॉर्निंग, वह सुबह दौड़ता था। सी रोट एन एसे, वह निबंध लिखती थी। राम केम माई होम, राम मेरे घर आते थे। श्याम वेंट टू स्कूल, श्याम स्कूल जाते थे। तो अब हम नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एक वाक्य है अफर्मेटिव में, वी रोट एन एसे, हम निबंध लिखते थे। इसका नेगेटिव है, वी डिड नॉट राइट एन एसे। दोस्तों जो रोट है वो अफर्मेटिवस में होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बाद में उसको हम फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे हम प्रेजेंट सिंपल में राइट्स लिखे थे, उसको डज नॉट लेने के बाद हमने राइट लिखे, वैसे ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होगा। तो दोस्तों अब हम सब्जेक्ट वी के पहले यहाँ डिड का उपयोग करेंगे। बाय मिस्टेक दोस्तों यहाँ पे मैंने यू लिख डाला है, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। ये होता डिड वी राइट एन ऐसे, क्या हम निबंध लिखते थे, वैसे ये भी गलत नहीं है, यहाँ पे आपको वी बस लिखना होगा। डिड वी नॉट राइट एन ऐसे, यू है तब भी सही है, वैसे आप इसको वी कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसे। तो दोस्तों आपको पास्ट सिंपल में, चाहे एक वचन रहे या बहुवचन रहे, सभी के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करके बनाना है नेगेटिव इंटरगेटिव। अब हम पास्ट के कंटिन्यूअस देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस निरंतर भूतकाल, इसका हिंदी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज वर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। दोस्तों वाज का उपयोग हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ही सी ईट के साथ, राम सीता, एक वचन होने पर ही उपयोग होगा। यहाँ आई के साथ भी वाज का उपयोग करेंगे। और वर का उपयोग हम वी यू दे, राम एंड श्याम, ऐसे बहुवचन सब्जेक्ट होगा तब हम वर का उपयोग करेंगे। वाज का हिंदी मीनिंग है था या थी, वर का थे। तो दोस्तों यहाँ आई का उपयोग हम एक वचन है और एक वचन जैसे ही करेंगे। आई वाज रीडिंग अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ रहा था। वी वर राइटिंग एन एसे, हम निबंध लिख रहे थे। तो बहुवचन के साथ हम वर का उपयोग करेंगे। और अब कुछ एग्जांपल एक वचन में, जैसे ही वाज रीडिंग अ स्टोरी, वह कहानी पढ़ रहा था। सी वाज राइटिंग एन एसे, वह निबंध लिख रही थी। एंड सो ऑन, आप ऐसे ही समझ सकते हैं। इनका नेगेटिव इंटरगेटिव होगा, जैसे वी वर राइटिंग एन एसे, हम निबंध लिख रहे थे, नेगेटिव होगा। वी वर नॉट राइटिंग एन एसे, हम निबंध नहीं लिख रहे थे। अब पहले अफर्मेटिव से वर को वी के पहले लिखेंगे तो तीसरा सेंटेंस इंटरगेटिव बन जाएगा, वर वी राइटिंग एन एसे। दूसरे अर्थात नेगेटिव सेंटेंस से वर को वी के पहले लिखेंगे तो नेगेटिव इंटरगेटिव चौथा वाक्य बन जाएगा, वर वी नॉट राइटिंग एन एसे। एंड सो ऑन, वाज का भी उपयोग कर सकते हो। पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल, हिंदी पहचान जिनका है चुका था, चुकी थे, चुके थे,
दूसरा एक और पहचान है इसका, जैसे या था, ये थी, ये थे इत्यादि। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये भी बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड। तो एकवचन बहुवचन सब्जेक्ट बांटना नहीं पड़ेगा, सभी एक जैसे बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वी हैड रिटन एन एसे, हम निबंध लिख चुके थे या हम निबंध लिख लिए थे। यू हैड प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल चुके थे या तुमने क्रिकेट खेल लिए थे। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इनका भी निगेटिव इंटरगेटिव होगा। वी हैड रिटन एन एसे, हम निबंध लिख चुके थे, अफर्मेटिव है, जिनका निगेटिव होगा। वी हैड नॉट रिटन एन एसे, हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट, हम निबंध नहीं लिख चुके थे। ये तीसरा इंटरगेटिव सेंटेंस है, बाय मिस्टेक ए नहीं लिख रहा हूँ इसको। तो पहले से हैड को वी के सामने लिख दिए, हैड वी रिटर्न एन एसे, हम निबंध, क्या हम निबंध लिख चुके थे। दूसरे से चौथा बनेगा, हैड वी नॉट रिटर्न एन एसे, क्या हम निबंध नहीं लिख चुके थे। दोस्तों अन्य वाक्य आप ऐसे ही बना सकते हैं, चूंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड है, चाहे एक वचन रहे या बहुवचन, सबके साथ ऐसे ही बनाना होगा। तो अब हम आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पूर्ण निरंतर भूतकाल, हिंदी पहचान है, से डैश 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 रहा था, से डैश डैश रहे थे, यानी से के कुछ समय बाद रहा था या रही थी, रहे थे का उपयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों यह ठीक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे है, केवल यहाँ हेल्पिंग वर्ब बदलना है। वहाँ हैव और हैज़ होता था, यहाँ पे हैड बस करना है। सिंस फॉर का भी सेम वही रूल्स है जो आप खुद से भी समझ सकते हैं। कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, आई हैड बीन रीडिंग अ स्टोरी सिंस 2010, मैं 2010 से कहानी पढ़ रहा था, एंड सो ऑन। इसका भी निगेटिव इंटरगेटिव होगा। वी हैड बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर, इसका नेगेटिव होगा, हैड के बाद नॉट। वी हैड नॉट बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर, पहले का हैड वी के पहले लिखेंगे तीसरा सेंटेंस बना, दूसरे का हैड वी से पहले लिखने से चौथा सेंटेंस बनेगा। तो दोस्तों आगे अब हम फ्यूचर सिंपल टेंस को देखते हैं, इनके चारों अंगों को वन बाय वन। जैसे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन फ्यूचर सिंपल टेंस। सामान्य भविष्य काल, इनका हिंदी पहचान है वाक्य के अंत में गा गी गे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल आर विल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सेल का उपयोग हम आई या वी बस के साथ कर सकते हैं, बाकी हर एक सब्जेक्ट के साथ विल का उपयोग करना है, सो इट्स वेरी इजी। फ्यूचर टेंस के सभी अंगों में सेल या विल का परिवर्तित रूप का ही उपयोग और होना है। तो ध्यान रहे सेल का उपयोग केवल आई और वी के साथ करेंगे, और बाकी एक वचन रहे या बहुवचन, सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का उपयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, आई से रीड अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ूंगा, वी से राइट एन एसे, हम निबंध लिखेंगे या हम एक निबंध लिखेंगे। यू विल प्ले विथ मी, तुम मुझसे खेलोगे, दे विल कम हियर, वे लोग यहाँ आएंगे।
तो आई और वी के साथ सेल बाकी सब के साथ विल का उपयोग कर सकते हैं। ही विल हेल्प यू, वह तुम्हें मदद करेगा। सी विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी। राम विल विन द मैच, राम मैच जीतेगा। मैं फिर से आपको बता दूं, आई या वी के साथ सेल और बाकी सभी के साथ विल का उपयोग होगा। इनका नेगेटिव इंटरगेटिव इस प्रकार से है, वी शैल राइट एन एसे, सेल के बाद नॉट लेंगे नेगेटिव, वी शैल नॉट राइट एन एसे। इंटरगेटिव हम बनाएंगे अफर्मेटिव के सेल को वी के पहले लिखकर, सेल वी राइट एन एसे। नेगेटिव इंटरगेटिव चौथा सेंटेंस बनेगा दूसरे से, सेल को वी से पहले लिखकर, सेल वी नॉट राइट एन एसे। ठीक इसी प्रकार से विल का उपयोग करके नेगेटिव इंटरगेटिव, ही विल हेल्प यू, वह तुम्हें मदद करेगा, नेगेटिव, विल के बाद नॉट लगेगा, ही विल नॉट हेल्प यू। इंटरगेटिव बनेगा अफर्मेटिव के विल को ही से पहले लिखकर, विल ही हेल्प यू। चौथा वाक्य बनेगा दूसरे के विल को ही से पहले लिखकर, विल ही नॉट हेल्प यू। ठीक इसी प्रकार से आप बाकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, निरंतर भविष्यकाल जिनका हिंदी पहचान है, ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे इत्यादि। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, और साथ में दोनों के साथ बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई शैल बी रीडिंग ए स्टोरी, मैं कहानी पढ़ता रहूँगा। शैल के बाद बी लगाएं, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, शैल बी रीडिंग। नेक्स्ट, वी शैल बी राइटिंग एन एसे, हम निबंध लिखते रहेंगे। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता रहेगा। सी विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाती रहेगी। अब इनका हम नेगेटिव इंटरगेटिव बनाएंगे, तो वी शैल बी राइटिंग एन एसे नेगेटिव, वी शैल नॉट बी राइटिंग एन एसे। पहले से शैल वी के पहले लिखने पर तीसरा सेंटेंस बन गया, और दूसरे नेगेटिव सेंटेंस से सेल को वी से पहले लिखने पर चौथा सेंटेंस यानी नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस, सेल वी नॉट बी राइटिंग एन एसे। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यकाल जिनका हिंदी पहचान है, चुका रहूँगा, चुकी रहूँगी, चुके रहेंगे इत्यादि, इसका दूसरा पहचान भी है। जैसे कि हर एक के परफेक्ट का दो पहचान है, या रहूँगा, ये रहेंगे, ये रहेंगे। इसका स्ट्रक्चर आप हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव। दोस्तों यहाँ पे मैंने विल हैव नहीं लिख पाया है, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या विल हैव होगा, और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, जिसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, समझ जाओगे। आई शैल हैव रीड अ स्टोरी, मैं कहानी पढ़ चुका रहूँगा या मैं कहानी पढ़ लिया रहूँगा। वी शैल हैव रिटन एन एसे, हम निबंध लिख चुके रहेंगे। राम विल हैव कम टुमारो, राम कल आ चुका रहेगा। ही विल हैव टोल्ड अस टुमारो, वह कल हमें बता चुका रहेगा। तो यहाँ पे विल के बाद हैव होगा और सेल के बाद भी हैव होगा। स्ट्रक्चर में भले ही मैं विल हैव नहीं लिख पाया हूँ, आप इसे समझ सकते हैं। अब इनका हम नेगेटिव इंटरगेटिव देखते हैं, तो वी सेल हैव रिटर्न इन एसे नेगेटिव होगा, वी सेल नॉट हैव रिटर्न इन एसे। आपको हैव के बाद नॉट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सेल और हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट के ठीक बाद सेल है, इसलिए हम सेल को ही यहाँ का मेन हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। तो तीसरा सेंटेंस बनेगा पहले से सेल वी के सामने लिखकर, और चौथा बनेगा दूसरे से, ठीक इसी प्रकार से। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर भविष्यकाल जिनका हिंदी पहचान है से
डैश 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 ता रहूँगा इत्यादि। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शैल या विल, और कंपलसरी है दोनों के साथ हैव बीन। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एन प्लस सब्जेक्ट, फॉर और फ्रॉम प्लस अदर वर्ड्स। दोस्तों यहाँ पे सिंस के बदले में फ्रॉम का यूज़ होता है, ठीक उन्हीं मायनों से। केवल सिंस के बजाय फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रॉम का यूज़ होना है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन रीडिंग अ स्टोरी फ्रॉम संडे, मैं रविवार से कहानी पढ़ता रहूँगा। वी शैल हैव बीन रीड राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर। ही विल हैव बीन हेल्पिंग यू फ्रॉम 2021, वह 2021 से तुम्हें मदद करते रहेंगे। इसका नेगेटिव इंटरगेटिव इस प्रकार से होगा, वी शैल हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर, नेगेटिव होगा, वी शैल नॉट हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर एन आवर। शैल हैव बीन तीनों हेल्पिंग वर्ब है, तो मेन हेल्पिंग वर्ब है शैल, जो कि सब्जेक्ट वी के ठीक बाद है। तो दोस्तों पूरे टेंस जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है उसमें जो एग्जांपल्स दिया है उन्हें आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों टेंस का अब हम इन शॉर्ट में संक्षेप में कुछ रिवीजन करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में टेंस काल, जिनका तीन प्रकार है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इनका पार्ट है चार, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रकार रेड कलर में मैंने इधर मार्क किया, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और उनका पार्ट नीचे साइड में है, सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने प्रेजेंट सिंपल में दो हेल्पिंग वर्ब लिया है, डू और डज, और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में तीन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिए हैं। प्रेजेंट के परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब हैव हैज, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन हैज़ बीन, दो हेल्पिंग वर्ब। ठीक उसी प्रकार से पास्ट में हमने पास्ट सिंपल में एक हेल्पिंग वर्ब डिड लिए, डू डज दो है, डिड एक है। पास्ट के कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब दो हो जाता है, वाज वर। पास्ट के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब एक हो जाता हैड, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन। तो हम यदि प्रेजेंट टेंस को अच्छे समझ जाते हैं तो पास्ट और फ्यूचर टेंस बहुत ही आसान है, आप प्रेजेंट को अच्छे से समझ जाएं। हम ये भी देखते हैं प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस में ठीक एक कम हो जाता है, जैसे डू डस का दो का एक, डिड इज एम आर तीन का दो, वाज वर, हैव हैज का दो का हैड एक, और यहाँ पे हैव बीन हैड बीन का यहाँ, सॉरी, हैज बीन और हैव बीन का यहाँ पे हैड बीन। फ्यूचर टेंस तो बहुत आसान है, दोनों में दो ही हेल्पिंग, इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब है, एक शैल और दूसरा विल, जहाँ शुरू से अंत तक शैल का उपयोग आई वी के साथ और विल का उपयोग बाकी सब के साथ। फ्यूचर के सिंपल में शैल या विल है, कंटिन्यूअस में शैल भी विल भी, परफेक्ट में शैल है विल है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन विल हैव बीन। दोस्तों इसका शॉर्ट रिवीजन और देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू का उपयोग हम करते हैं बहुवचन के साथ, आई वी यू दे, बॉयस, पीपल, चिल्ड्रन, ये सभी बहुवचन हैं। डज का उपयोग करते हैं एक वचन में, ही सी इट, राम, श्याम, अ डॉग, अ बॉय। कंटिन्यूअस में तीन हेल्पिंग वर्ब है, एम का उपयोग केवल आई के साथ, आर का उपयोग बहुवचन के साथ जितने भी बहुवचन सब्जेक्ट है, इस का उपयोग ही सी इट, राधा, राजू, ऐसे एक वचन के साथ। परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब हैव का उपयोग आई वी यू दे के साथ, हैज़ का उपयोग एक वचन ही सीट के साथ, बीन का भी हैव बीन और हैज़ बीन का ठीक उसी प्रकार से। पास्ट टेंस का रिवीजन, पास्ट टेंस में सिंपल में केवल डिड ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सभी के साथ एक वचन बहुवचन के साथ डिड, वाज वर, यहाँ पे वाज का उपयोग आई और सभी एक वचन के साथ, ही सीट। वी का उपयोग सभी बहुवचन के साथ,
पास्ट के परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब हैड, तो सबके साथ हैड बीन भी ठीक इसी प्रकार। फ्यूचर टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल जिसका उपयोग आई और वी के साथ होना है, विल का उपयोग आई और वी को छोड़कर सभी अन्य सब्जेक्ट चाहे वो एकवचन रहे या बहुवचन। कुछ अन्य तथ्य इसके बारे में, इम्फेसिस जोर देकर बोली जाने वाली बातों में, विल का उपयोग हम आई वी के साथ भी कर सकते हैं और शैल का उपयोग उसके अपोजिट हर एक के साथ कर सकते हैं, इसे इट यू दे वॉयस के साथ। मॉडर्न इंग्लिश या बोलचाल में उपयोग होने वाले किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम विल का उपयोग कर सकते हैं।